रामरथ जो है गांव गांव जा रहा है, आपने भी एक रामरथ को मुंबई में भेजा है, घर घर जा रहा है। वो आपने एक बयान दिया था कि, और आपने कहा कि जब वो बाबरी का ढांचा, कलंकित ढांचा गिरा, उस वक्त मैं वहाँ पर था और मुझे इसका अभिमान है, खुशी है। इस बात को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि आपने तो क्रिमिनल एक्ट कर दिया उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। देखिए, ओवैसी क्या कहते हैं इस पर क्यों तवज्जो देते हो? ओवैसी ने कौन सा संविधान की बात की है? जिस प्रकार की बातें ओवैसी करते हैं कौन से संविधान में बैठती है? इसलिए ओवैसी जी को मैं कोई जवाब वगैरह नहीं देना चाहता। मैं अपने भाषण पर या मैंने जो बात कही उस पर मैं कायम हूँ, और अगर ओवैसी जी को चाहिए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर ले। नहीं, वो हम उनके भाषण रोज़ सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अयोध्या ले लिया, उसके बाद काशी मथुरा, सुंदरी मस्जिद, तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन लगातार हो रहा है और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। मुस्लिमों को जो है एक तरह से असुरक्षा की भावना है उनकी में, और मुस्लिम युवकों को दिल में जो तकलीफ़ है वही तकलीफ भी उनके दिल में है बाबरी की। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाबरी की बात करते रहेंगे, देखिए, 6 दिसंबर की बात करते रहेंगे। तकलीफ मुस्लिम युवाओं को इस बात की नहीं है, ये सारी तकलीफ राजनेताओं को है, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। अगर सच में मुस्लिम युवाओं को कोई तकलीफ है तो वो उनमें शिक्षा का पिछड़ापन, उनमें रोजगार का पिछड़ापन, उनमें अलग-अलग प्रकार के जो पिछड़ेपन, आज जो गरीबी हमको देखने को मिलती है, इसकी तकलीफ है। इसके लिए आपने कुछ किया? उसके लिए भी तो जो करना है मोदी जी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने ये नहीं देखा कि उसकी जात क्या है। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी चाबी लोगों को घर की देते हैं, तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाएं होती है जिनको हम चाबी देते हैं, तो उनको घर दिया तो मोदी जी ने दिया, आपने तो नहीं दिया, क्योंकि आप उनको वोट बैंक की तरह देखते हो। और ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा, ये आज गुमराह कर पा रहे हैं, कल नहीं कर पाएंगे।